हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड स्क्वायर्स। इसके लिए हमें चिकन और ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास श्रेडेड चिकन है और ये मेरे पास मिक्स वेज है। ये मैंने जो है चिकन ब्रेड पार्सल के लिए बनाया था। चिकन, श्रेडेड चिकन और मिक्स वेज, ये वही बचा हुआ है। इसी से आज हम चिकन ब्रेड स्क्वायर्स बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया, उसके ऊपर हमने चिकन को इवेनली इस फैला दिया। बहुत मोटी परत नहीं रखी है, बहुत बारीक भी नहीं। फिर उसके ऊपर हमने सब्जियों की एक लेयरिंग लगाई। हमें सब्जी और चिकन दोनों की लेयरिंग बराबर से रखना है। फिर इसके ऊपर हमने एक दूसरा स्लाइस रखना होता है, तो स्लाइस पर हमने हरी चटनी लगाई। ये मेरी चटनी चैनल पर अपलोड है, आप वो देख लें, नींबू वाली चटनी। इसे हमने ब्रेड स्लाइस पर रख दिया, जो चिकन और सब्ज़ी वाला ब्रेड स्लाइस था, और इसे अच्छी तरह से दबा दिया ताकि कोने आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए, अलग ना हो। इसे बड़ी केयरफुली होकर करना है, और इसके लिए अगर ब्रेड ताज़ी हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी दो दिन की बासी थी तो थोड़ी परेशानी हो रही थी। जितनी ताज़ी ब्रेड लेंगे आप उतनी आसानी से। हमने चार पीस काट लिए जो सैंडविच सा बनाया था। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रेड का स्लाइस लीजिए, उसके चारों टुकड़े पहले ही काट लीजिए। दो ब्रेड स्लाइसेस के चारों चारों टुकड़े काट लिए हमने। इस एक ब्रेड स्लाइस पर जो चार टुकड़े काटे थे, उसमें से एक टुकड़ा लेकर उसके ऊपर वो चिकन और सब्ज़ी की फिलिंग रखी और इसको हाथ से दबाया। हाथ पे पानी लगा लें, ब्रेड पे पानी ना लगाएं, हाथ पे पानी लगाकर और इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगी, निकलेगी नहीं। फिर हमने इसको बेसन के घोल में डिप किया। ये घोल वही है जो मेरे आलू की फूली फूली पकौड़ी में यूज़ किया गया था, आप वो मेरे चैनल पर देख लीजिए। और इसे हमने 5 बड़े चम्मच तेल को कढ़ाई में गरम कर लिया और वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े डाले। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े डालने से ये होता है कि आसानी से एक बंदा खा सकता है एक बार स्लाइस। बड़े बड़े पीस डालते ट्राइंगल तो बहुत ही बड़े हो जाते हैं वो। हमने इसको फ्राई कर लिया दोनों तरफ से सुनहरे होने तक, और ये हमारे चिकन ब्रेड स्क्वायर तैयार।